हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि 95%, 90%, 85% लाने के लिए कुछ तरीका बताइए और कुछ ऐसे तरीका बताइए जिनसे हम पास हो सकें। तो ये तरीका आपको एक बहुत ही बेस्ट टीचर ने बताया हुआ है। ये बेस्ट टीचर यहाँ पे लखनऊ में दैनिक जागरण कार्यालय में आए हुए थे। इनसे कुछ सवाल पूछे गए बच्चों को टॉप करने को लेकर के, तो वहीं पे आपको बताए हैं ये टीचर। बहुत सारे नुस्खे बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो यही सारे इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी बड़े टॉपिक के ऊपर। ये जो मैम है, इनका नाम है निशा नाम है इनका। तो ये दैनिक जागरण कार्यालय में आई थी, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों को लेकर के, बच्चों के टॉप को लेकर के, कि कौन कौन से तरीके हमें अपनाने चाहिए टॉप करने के लिए। तो मैम ने बहुत सारे तरीके बताए हैं टॉप करने के लिए। तो पूरा वीडियो में एंड तक ही बने रहें, मैं आपको वही सब तरीके बताने वाला हूं। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोज़ आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों, मैम ने कहा है स्कोर वाले टॉपिक का करें अभ्यास, प्रमेय पर ध्यान दें। ये केवल मैथ्स के लिए नहीं है, ये केवल आपका फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए आपको मैम ने टॉप करने के लिए बताया है। साथ ही साथ गुरु मंत्र भी कुछ बताए हैं। तो सबसे पहले हम गुरु मंत्र जान लेते हैं कि हमको गुरु मंत्र क्या बताए गए हैं परीक्षा में टॉप करने के लिए। ठीक है, तो पहला गुरु मंत्र है, पढ़ाई के शेड्यूल में गणित को प्रतिदिन में शामिल करें। बिकॉज मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे गायब होने लगेगा, यानी कि वो आप धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो मैम ने बताया है कि आपको गणित हर एक दिन पढ़नी चाहिए, चाहे आप एक ही घंटे पढ़ो। एक घंटे में अगर आप 4 सवाल लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभ्यास ज़रूर करो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया गुरु मंत्र का। दूसरा पॉइंट है, सॉल्व व अनसॉल्व प्रश्न अधिक से हल करने की कोशिश करें और खुद से हल करने की कोशिश करें, बिना देखे उनको खुद हल करें। जैसे कि आपके पास सॉल्व क्वेश्चन कुछ रखे हुए हैं, फिर उनके क्वेश्चन आप लिख डालिए अपनी किसी भी रफ रजिस्टर में और उन्हीं सॉल्व क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो सॉल्व क्वेश्चन मैंने कुछ समय पहले लगाए थे वो क्या मैं दोबारा लगा पा रहा हूँ, कोई समस्या तो नहीं आ रही है दोबारा सॉल्व करने में। तो ये गुरु मंत्र आपका दूसरा वाला गुरु मंत्र है। फिर तीसरा गुरु मंत्र है, जो कठिन लग रहे हैं उन सवालों पर अभ्यास बार बार करें। जैसे कि आपको कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता होगा, तो मैम ने बताया है कि यहाँ पे उस सवाल को बार बार करने की कोशिश करें। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि जब कठिन लग रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सवाल कैसे हल करें। मैं आपको बता दूं, अपने किसी टीचर के पास चले जाओ मैथमेटिक्स के, जो सवाल हल कर ले और आपको अच्छे से समझा दे। ठीक है, उससे ये आपको सवाल जल्दी से जल्दी तैयार हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ट्रिक्स की बात करते हैं। अब हम पेपर को करते समय कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, पेपर में प्रश्न कतई न छोड़ें। आपको प्रश्न मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, A to Z कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैम कह रही हैं। ये जो मैम जिनका नाम निशा है, ये बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है अपने कॉलेज की, तो इन्होंने ये सभी टिप्स दी हैं। तो आप सब इन टिप्स पर भरोसा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। ये टिप्स आपकी दैनिक जागरण के द्वारा बताई गई हैं और ये दैनिक जागरण का पेपर ही है जिसमें आपको ये टिप्स दिखाई जा रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैम ने बताया कि पेपर में क्वेश्चन एक भी ना छोड़ें, कुछ ना कुछ हल ज़रूर करें, स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेंगे आपको। मैं बता दूँ, अब ये पूछोगे कि स्टेप मार्किंग क्या होती है, तो स्टेप मार्किंग एक ऐसा रूल है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर दिए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मतलब आपने कोई सवाल किया, पहला स्टेप में आया, दूसरा स्टेप में आया। अब मान लो सवाल आप कर रहे हैं तो पहले स्टेप में तो उसका आंसर आ ही नहीं जाएगा, उसके लिए दो सेट लगेंगे, तीसरा भी सेट लगेगा, चौथा भी सेट लगेगा और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह लगता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। जैसे आपने पहला स्टेप मान लो सही कर दिया तो उसके नंबर मिल जाएंगे, दूसरा स्टेप भी आपने सही कर दिया तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे, तीसरा स्टेप में भी आपने सही कर दिया तो तीसरे के भी नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने चौथा नंबर गलत कर दिया है तो आपको चौथे के नंबर काट लिए जाएंगे, बाकी तीनों के नंबर दे दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग। ठीक है, इसी तरह आपको पेपर सॉल्व करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गुरु मंत्र है, उत्तर पुस्तिका में पेज के दाईं ओर लाइन खींचकर कैलकुलेशन करें। कहाँ पे बताया गया है? उत्तर पुस्तिका के पेज के दाईं ओर। ठीक है, पेज के दाईं ओर लाइन खींच करके आप अपना रफ रजिस्टर वाला काम कर सकते हो। जैसे कि कोई सवाल आपको लगाना है तो आप पेज के दाईं ओर लगा सकते हो।
फिर उसके बाद रैखिक प्रोग्रामिंग के प्रश्न दिए गए ग्राफ को भी हल करें। कॉपी पर अलग से बनाने वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, आपको अलग बनाने की कोशिश ना करें। पेज के दाईं ओर यहाँ पे इसी तरह का बना लें, कॉलम बना लें और वहीं पे अपना रफ कार्य करें, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपके लिए जगह भी बच जाएगी और आपका समय भी ज़्यादा नष्ट नहीं होगा। तो रैखिक प्रोग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैम द्वारा जितने भी गुरु मंत्र बताए गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं कुछ आसानी वाले क्वेश्चंस की तरफ जो मैम से पूछे गए हैं। मैम से पहला क्वेश्चन पूछा गया है 66 नंबर के होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुविकल्पी 5 नंबर, अति लघु उत्तरीय 5 अंक और लघु उत्तरीय जो होंगे वो 16 नंबर के होंगे और लघु उत्तरीय शार्ट होंगे 50 नंबर के। वहीं ऐसे लघु उत्तरीय जो कुल 66 नंबर के होंगे, वहीं दीर्घ उत्तरीय 24 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आसान टॉपिक कराएंगे पास, ठीक है। गणित का सबसे जो टॉपिक होता है वो कर सकते हैं, सबसे आसान टॉपिक जो होता है उसे सरल कर सकते हैं, यह सरल भी है। जो इसमें छात्र होते हैं वो बीजगणित, रैखिक प्रोग्रामन, यूनिट व कलन पाठ, यहाँ पे कलन पाठ के दो वर्ग के बीच क्षेत्रफल, पूर्ण वर्ग बनाकर इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा व साधारण अवकलन का अभ्यास करें। इसमें 50 अंकों के करीब हासिल किए जा सकते हैं। तो आपको 50 नंबर इन्हीं सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आप अपने मन से एक डर निकाल दो कि मैं मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाऊंगा, बिकॉज़ ये सभी आसान टॉपिक यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ये मैथमेटिक्स का बेस है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का बेसिक है। ये आप अच्छे से तैयार कर लो। आपको मैम बता रही हैं कि 50 नंबर इसी में से आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। अब हम चलते हैं मैम से द्वारा, मैम जो मैम से क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस पार्ट से कितने अंक का आना है, ठीक है। मैम ने बताया है कि किस पार्ट से किस अंक का आना है। तो गणित भाग एक और गणित भाग दो किताब मिलाकर एक पेपर होगा, ठीक है। गणित भाग एक हो गया, गणित भाग दो हो गया, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू मिला करके एक पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। और उसके साथ साथ उसमें कुछ यूनिट हमको होंगी, कुछ 6 यूनिट होंगी और 6 यूनिट में हमें ऐसे संबंध फलन के 10 नंबर मिलेंगे। आपको बीजगणित से 13 अंक का आएगा, कलन से आपका 44 अंक का आएगा, सदिश व त्रिमितीय ज्यामिति से 17 अंक का आएगा, रैखिक प्रोग्रामन से 6 अंक का आएगा और प्रायिका से 10 नंबर का अंक पूछे जाने हैं। तो ये आपका रहा पेपर शेड्यूल कि आपका पेपर कितने कितने अंक का आना है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों ने कुछ मैम से सवाल पूछे थे, उन सवालों की बात अब हम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए थे, कोई भी सवाल यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ पे ज्यामिति समझ में नहीं आ रही है, क्या करूं, ठीक है। इसमें निर्मेय पढ़ें, डायग्राम को समझें, इसके बाद सॉल्व प्रश्न करें, फिर अनसॉल्व हल करने का प्रयास करें। इस तरीके से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, समय कम है ऐसे में गणित को कैसे तैयार करें, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा है उसका अभ्यास करो, अब स्मार्ट लर्निंग का वक्त है, स्कोर वाले टॉपिक के सवाल अधिक लगाएं। ये चीज़ आप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो और पढ़ते हैं दोस्तों, और कोई प्रश्न पढ़ लेते हैं। कक्षा 12 में हूँ, गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर बताएं, ठीक है। सबसे स्कोरिंग वाला कैलकुलेस 44 नंबर का है, ठीक है। कैलकुलेस जो है आपका 44 नंबर का, इसमें से 44 नंबर के सवाल आने हैं, 44 मार्क्स, ठीक है। सदिश एवं त्रिमीय ज्यामिति 17 नंबर का आएगा और बीजगणित जो है आपका 13 नंबर का आएगा। इन्हें अच्छे से तैयार कर लें तो इन्हीं से आपके अच्छे खासे नंबर बन जाने वाले हैं। फिर उसके बाद और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। एक बच्चे ने एक बहुत ही बेस्ट सवाल पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सभी के मन में बहुत ही मतलब कि एनसीईआरटी को लेकर के डर बना रहता है। बच्चे ने पूछा है कि प्रश्न पत्र एनसीईआरटी बेस्ड आएगा या नहीं, यानी कि आएगा कि नहीं, उसने पूछा है। तो मैम ने यहाँ पे जवाब देते हुए लिखा, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा और सरकार द्वारा तय किताब से ही पढ़ाई करें। तो सरकार द्वारा जो जारी किताब है जो आपके स्कूल में मिलती है, बस उसी से पेपर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, वो उपाय बताएं हमको, ठीक है। तो ये कमेंट का जवाब ऊपर दिया गया है, तो ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जवाब दिया गया है, जो पढ़ा उसका अभ्यास करें, ठीक है। स्कोरिंग टॉपिक
का रिवीजन कई बार करें। पढ़ाई के शेड्यूल में गणित प्रतिदिन रखें और पेपर में छोटे प्रश्नों को कम समय में हल करने का प्रयास करें। जो छोटे छोटे नंबर वाले हैं उनको जल्दी से हल करके तुरंत ख़त्म कर दें, ताकि आपको जो छोटे छोटे एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर, ये तुरंत मिल जाएं, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न पढ़ते हैं जो पूछा गया है। कक्षा 10 में हूँ, कौन से टॉपिक पर क्या पढ़ना चाहिए? तो बीजगणित कक्षा 10 में 18 नंबर की आनी है, ठीक है, ज्यामिति 12 नंबर की आनी है, त्रिकोणमिति 12 नंबर की आनी है, और वहीं प्रायिकता 10 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। तो वही दसवीं वाली बात, तो यही तरह के क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए हैं। तो मैम के द्वारा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो मैंने आपको सभी इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प ज़रूर हो सके। तो वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने से आपके सभी दोस्त उनकी सहायता हो सके। और अपनी फेसबुक, अगर आप चलाते हो फेसबुक, तो फेसबुक प्रोफाइल पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम चलाते हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल ओम ट्रिक्स को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूं। तो मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।